हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय दूसरा दिन का ब्लॉग, यानी कि नेक्स्ट डे। अभी बजे हैं वो नहीं खुला है, खोल लेंगे। पापा रहते तो इतना लेट नहीं लगता, अभी तक तो खोल के मुराया रहता वो। तो पापा जी सुबह ड्यूटी चले गए और लेट से हम उठे थे, तो कपड़ा जो पीछे थे एकदम सूख गया है, उसको प्रेस करवा के आयरन घर में भी है, लेकिन वो नया कपड़ा होता है, चाहे जो नया है उसमें डर लगता है कि कहीं कुछ जला वला दे, इसलिए पुराना है तो चल जाता है। तो चलिए जो कपड़ा पीछे उसको दे के आते हैं। और आज तो विजय भाई नहीं है, आज तो सुबह में कॉल, क्योंकि उनको गया जाना था विजय भाई को एडमिशन के चक्कर में, तो थोड़ा इस वजह से सुबह नहीं गया सोनपुर। बट कोई बात नहीं, कंटिन्यू तो करेंगे, एक दो दिन बीच तो होते रहता है। कल स्टार्ट किए थे, आज बीच परसों फिर। तो चलिए ठीक है, पहले पसार के आते हैं, पहले अंकल जी को दे के आते हैं कपड़ा आयरन के लिए, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या होता है। अभी बज रहे हैं 10:30 और अभी का क्लास नहीं हुआ है, तो माँ जा रही है थोड़ा काम से बैंक, तो वो चावल लगा दिए, हम बना रहे हैं कढ़ी, और कढ़ी बना रहे हैं, दही यहाँ है, जाते हैं पहले बड़ी थोड़ा सा छानेंगे, उसके बाद कढ़ी बनाएंगे। तो सर कढ़ाई गर्म हो गया है और बड़ी के लिए जो डोर होता है वो भी तैयार है हमारा, बेसन का। तो कढ़ी बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से कढ़ी नहीं खाए हैं, और दही हर दिन दही तो जम ही रहा है लेकिन कढ़ी नहीं खा रहे, तो कढ़ी खाएंगे और कढ़ी चावल। और मम्मा अभी नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ सब्जी जरूर बनता, भुजिया वुजिया कुछ बन जाएगा, नहीं तो कढ़ी चावल भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ उसके जरूरत कुछ नहीं है, और आंवला का अचार तो है ही सपोर्ट करने के लिए। चलिए बनाते हैं कढ़ी, और बस ऊपर से हम भी बनियान के ऊपर से चीटर डाल लिए हैं, तो तेल हो चुका है गर्म और दो घानी निकल गए हैं, तीसरा घानी हम डाल रहे हैं ऐसे अपन छोटा छोटा लेके, ताकि अपना तो ये छन रहा है। और उसके बाद ये लास्ट था, इसके बाद बस कढ़ी के लिए बेसन थोड़ा सा भून के, थोड़ा सा उसको पका के और कढ़ी बना देना है। तो चेक करके बताते हैं कैसा है। मस्त मस्त क्रंची क्रंची है, नमक थोड़ा हम ज़्यादा ही डाले थे ताकि कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा कम नमक रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और इसमें जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं ये सब जो दूसरे हाथ से गिरा है वो भी खाने में बहुत सुंदर, एकदम बूंदी जैसा स्वाद आता है, एकदम मस्त छोटा छोटा। चलिए तो बनाते हैं कढ़ी। तो भाई कढ़ी बना रहे थे, तेल लास्ट में बचा क्योंकि बेसन उसमें पकाना है, तो सोचे कि क्यों ना अपने लिए, एक ब्रेड आया कल तो बचा हुआ है, तो बेसन लगा के ब्रेड तैयार किया, इसमें 2 बूंद केचप है। आलू लगा के भी ब्रेड अच्छा लगता है और ऐसे भी। तो ये रहा हमारा करी चावल, ऊपर से काला नमक छिड़का हुआ और कुछ ज़्यादा ही चावल कढ़ा गया है, चलिए थोड़ा सा साइड कर देंगे अभी। और ये गर्मा गर्म करी चावल, और जाते हैं खाते हैं क्योंकि बन गया, माँ है नहीं, माँ गई है बैंक। तो आपने आज अधिकतर मुझे किचन में ही देखा है, क्योंकि क्लास जो हुई से हुई और बाकी समय तो बाहर गए ही नहीं, उसी की वजह से माँ बस आज बाहर गई थी तो किचन भी देखेंगे। आज मम्मा बना रही है मेथी का पराठा, जो उस दिन चिकन के साथ बना, बट चिकन के साथ जो खाए ना टेस्ट पता चला, बट उतना उतना जो टेस्टी लगना चाहिए पराठा का टेस्ट आना चाहिए उतना नहीं है। तो आज देखिए ग्रीन ग्रीन ये बन चुका है पूरा, इसमें मेथी सना चुका है, और बनेगा टमाटर का चटनी, लेकिन टमाटर का चटनी पे थोड़ा टेस्ट हट जाता है, और मेथी का पराठा मुझे लगता है कि बादाम के चटनी पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो ये रहा बादाम, और ये रहा लाई जिसमें मैं बादाम जाता हूँ घूमने, उसके बाद मैं बनाऊँगा बादाम का चटनी मेरे तरफ से। तो पापा जी बुला रहे हैं और जाते हैं, पापा से पूछते हैं पहले क्यों बुला रहे हैं। हाँ बोलिए, हाँ आपको एक गिलास फ्रेश दे दिया, और कुछ नहीं, पापा जी इसे गर्म रहते हैं थोड़ा सा, तो उनको गर्म पानी पिया के, कहते हैं ना लोहे को लोहा ही काटता है, तो वही वाला बात हम करते हैं, गर्म आदमी को गर्म ही पिला के बस ठीक करते हैं। माँ अपना कर रही है काम तो करती हैं माँ, बेशक ये तो ज़रूर है कि माँ काम करती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमको बोलती है, पता नहीं क्यों, उतना हमको पता नहीं। हम लोग बहुत ही यूजफुल आदमी हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग प्योर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। क्यों? क्योंकि आप जो ये मम्मा को स्वेटर पहने देख रहे हैं, ये हमारा स्कूल का स्वेटर है और इसीलिए नहीं भाई, ये सही बात है, क्योंकि हम तो बड़े हो गए लेकिन मम्मी उतना ही है, मम्मी को ये बहुत फिट आता है, मतलब कि एकदम बॉडी साइज आता है एकदम यहाँ पे, क्या कहते हैं यहाँ तक, किसको कहते हैं 3/4, ऐसे कहते हैं ना मम्मी, 3/4 जो आप लोग ड्रेस बनवाते होंगे
वो मम्मी का वो स्वेटर है, आटा सानने में कोई दिक्कत नहीं होता है ये सब। तो मम्मी और दादी दो आदमी है जो घर में हमारा स्वेटर बनता है, मतलब हमारा दीदी का और भाई जी का तो नहीं है क्योंकि भाई जी। और लेकिन ये था कि स्कूल वाला दाम ज़्यादा लिया था स्वेटर का, 800 या 900 रुपये, मतलब कि 2009 में था स्वेटर, फुल स्वेटर। तो उस समय ये स्वेटर लेते थे और लेकिन आज तक भी इसमें एक भी वो दाना नहीं हुआ है। आज का ये भी इनर है और इनर में भी थोड़ा थोड़ा दाना दिख जाएगा आपको, लेकिन इस स्वेटर में सो जाइए पहन के कुछ भी कर लीजिए, दाना नहीं। क्वालिटी बहुत अच्छा था, पैसा लेते थे लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा था। और उधर झल रहा है बन रहा है सब्जी, तो ये बात जरूर है कि क्वालिटी अच्छा था वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग अपने पैसे को सधाना जानते हैं कैसे सधाया जाता है। तो मम्मी अपना पहनी ली है स्वेटर और पूरा तरह से झांप ली है। तो चलिए इसी बात से बनाते चिल्ली से, तो चलिए वो सब हंसी मजाक की बात बाद में, तो बाकी का काम छोड़ते हैं, हंसी मजाक तो चलते रहेगा। चलिए बनाते हैं बादाम का चटनी अपना, लेकिन मम्मी वो नहीं है, कड़ी पत्ता नहीं है, और कड़ी पत्ता नहीं रहता ना तो बादाम का चटनी में टेस्ट नहीं आता है। सरसों से छोंक तो देंगे, कड़ी पत्ता देखते हैं होगा कुछ थोड़ा सा। तो बैठ चुके हैं खाने के लिए, खाना लग गया है। यह है पराठा, कढ़ी जो मैंने बनाया था, चटनी टमाटर का, और ये है बादाम का जो मैंने बनाया है, और उधर है अचार, और मम्मी पापा सब लोग बैठे हुए हैं। तो आज हम बनाए हैं जो पापा का तारीफ हुआ, हाँ बोले बहुत अच्छा है कढ़ी भी और चटनी भी। तो चलिए पहले खाते हैं, मुँह क्या सही बात बोले, खाना खाने के बाद फिर पापा का अपन मच्छरदानी वानी लगाना है। गर्मी हो चाहे नहीं, हीटर आ गया है तो हीटर चलना चाहिए, बताइए एकदम सामने बैठ के। और जबकि ये हीटर ऐसा है कि पास में जाने से एकदम गर्म लगता है कि आग फेंक रहा है, इतना मतलब नैनो कार्बन हीटर है। और पापा जी बहुत रिसर्च के बाद ये हीटर मंगवाए हैं कि इससे घर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड, मतलब जो है वो पूरा ख़त्म नहीं होता। जैसे ये तो है कि नॉर्मल जो हीटर होता है या घर में आग ही आप जला लीजिए तो क्या होता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और हीटर में खासकर इलेक्ट्रिक हीटर जो नॉर्मल आते हैं उसमें ये जरूर होता है कि घर का ऑक्सीजन को लगभग बोला भी जाता है कि हीटर चला के रात में नहीं सोना चाहिए या ब्लोअर चला के रात में नहीं सोना चाहिए। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है कि हर साल आता ही है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, घर में पता ही नहीं चला, लोग सोए के सोए रह गए, ऐसे हो गया, डेथ हो गया, दिस हो गया। तो वो तो अलग बात है, जागरूक मतलब खुद से भी समझना चाहिए कि हीटर चला के ना सोए, थोड़ा देर गर्म, लेकिन अभी उतना गर्म नहीं है। लेकिन मम्मा एकदम मस्त हीटर चल रहा है, लोशन हाथ में है, और लोशन तो बला हम दिए हैं, लोशन हम दिए हैं कि कम से कम मॉइस्चराइज रहे पैर और अपना लग रहा है। पापा जी अपना हिसाब बारी कर रहे हैं, अपना जो हमको देते हैं पैसा उसे उसका हिसाब बारी, एक एक रुपये का हिसाब लेते हैं हमसे। सब्जी अगर 10 रुपये का लाते हैं हम तो बोलते हैं नहीं 9 रुपये का लाते हैं, 10 रुपये का देते हैं तो 30 रुपये का लाते हैं। हाँ पापा हमको 10 रुपये देते हैं, हम 30 रुपये का लाते, इतने अच्छे बेटा हैं हम क्या हुआ, और एक 1% भी प्रॉफिट नहीं काटते हैं ऐसा। लेकिन चलिए हमारा भी दिन आएगा, हमारा भी तो हम लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, मतलब बोलने में भी हमें होता है, मतलब बोलने में भी लड़खड़ा आ रहे हैं क्योंकि एक नींद सो के उठे हैं, आँख देखने लाल है, गाना बजी रहा था। तो करते हम लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, देखने के लिए धन्यवाद, बाय। क्या मम्मा जिंदगी जीना हो ना तो 14 साल बस हो जाना। वाह आज का ये प्याज जल रहा है, आज का सुविचार, जिंदगी जीना हो तो 14 तान के सोइए।